व्लॉग हमने क्या हाक बनाना है यहाँ पे। देखें हमारा पॉइंटसर पेंचर हो गया, अभी गुजरात पहुँचे ही हैं, तो अभी हमारा कैमरामैन लेके जा रहा है मोटरसाइकिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़रियाब, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ, मैं हूँ और ये मेरा कैमरामैन है जो कि अभी ड्राइविंग की फ़राइज अंजाम दे रहा है। तो अभी क्या करने जाना है हमने गुजरात, देखते हैं अगर क्या करना क्या नहीं करना उधर जाके। हाँ, ब्लॉग बनाने का प्रोग्राम था लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है क्या बनाना क्या नहीं बनाना। तो अभी फ़िलहाल जलालपुर चट्टान से निकले हैं और जा रहे हैं गुजरात, और वहाँ पे जाके फिर आपको मज़ीद बताते हैं, अभी रास्ते के आपको मंजर दिखाते जाते हैं। ईद के दोस्तों 3 दिन गुजर गए हैं, आज चौथा दिन है, तकरीबन शाम होने वाली है। असर की नमाज़ पढ़ के हम निकले हैं और ये देखें अक्सर और बेशतर जगह पे गंदम की कटाई हो चुकी है, इसके ऊपर भी हमने एक व्लॉग बनाना है डेडिकेटेड, तो अभी कभी ना कभी बनाएंगे। रोड पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है ईद की वजह से, अभी तक समझ लें कि ईद की आखिरी या छुट्टी है, क्योंकि 3 दिन ईद की छुट्टियाँ थी, आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है, तो आज भी अक्सर बेशतर लोगों को छुट्टियाँ हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा है इन दिनों, और ईद के दिनों में तो हादसात की रेशो भी काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी हादसात हुए हैं, रोड एक्सीडेंट, तो बस ऐसे ही सीन है चादरा जी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं गुजरात में, मेरे दोस्त के बाल उड़ गए हैं तो उसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा दी है, तो अभी हम यहाँ पर गुजरात में रुके हैं। ये एक अदद ऐनक खरीदी है, 170 बोल रहा था, तो कितने की डिस्काउंट करवाया आपने, कितने का डिस्काउंट करवाया ऐनक का? 20 रुपये डिस्काउंट किए, कहता है ईद का दिन है कोई नहीं डिस्काउंट करना। तो चलें मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं चौधरी उनकी कोठी की तरफ, जोरला जो पैलेस है वहाँ पर, तो अभी देखते हैं किधर किधर जाना है और किधर नहीं जाना, तो बस आपको ले कर चलते हैं आगे जी। दोस्तों अभी हम गुजरात में मौजूद हैं टिम्बल चौक में, और यहाँ के आप मनाजर देख सकते हैं, टिम्बल चौक गुजरात। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी तक छुट्टियां हैं, तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम टिम्बल चौक से होते हुए जा रहे हैं गुलजार मदीना रोड की तरफ, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये है यहाँ पे एक बना हुआ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, ये लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क है जिसके आपको मज़े दिखा रहे हैं। ये गुलजार मदीना रोड पे मौजूद है, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जीटी रोड की तरफ, जीटी रोड और लारी अड्डा जो गुजरात का है वहाँ पे उस तरफ जा रहे हैं।
ये हम अभी आ गए हैं शादी वाला रोड। व्लॉग हमने क्या हाक बनाना है यहाँ पे, देखें हमारा पॉन्टसर पेंचर हो गया, अभी गुजरात पहुँचे ही हैं। तो अभी हमारा कैमरामैन लेके जा रहा है मोटरसाइकिल, ये पेंचर हो चुका है। अभी पेंचर वाली दुकान ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं हमें। अब देखते हैं किधर है पेंचर वाली दुकान, पेंचर लगवाते हैं उसके बाद देखते हैं किधर जाएँ। जी दोस्तों, अभी हमें एक पेंचर वाली दुकान मिली है, तो अभी हम आके रुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, पेंचर वाली शॉप पर बैठे हैं, यहाँ पे पेंचर लगाए जा रहे हैं। अभी हमारी बारी आती है तो फिर हम पेंचर लगवाते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि यहीं पे हमारा वक्त काफ़ी ज़ाया हो जाना है, करीबन आधा एक घंटा टूटेगा। तो व्लॉग क्या बनाएं और कैसे बनाएं, वक्त की भी शॉर्टेज है। दोस्तों, भी हमारा कैमरामैन पेंचर लगाने के बाद सलामकुम, हाँ आए तो इसी इरादे से कि चलो कोई पाँच छः ना हमारी ब्लॉग बन जाते तो हम लोग डाल लेते बारी बारी करके एक दिन में एक। तो लेकिन अब मोटरसाइकिल पंचर हो चुकी है तो छः बज चुके हैं, तो वैसे ही भी अंधेरा पड़ने वाला है। फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, घर जाना है वापस किधर ही घूमना है। अब पंचर लगेगा फिर देखेंगे, वैसे टाइम तो नहीं है कोई ब्लॉकिंग करने का। बस अब